आप भी अपने दुश्मन से परेशान हैं, वो आपके काम में बाधा डालता है, तो आइए वीडियो को शुरू करें। बोले श्री शिवाय नमः, हर हर महादेव। जैसा कि आपका दुश्मन हर बार काम में बाधा डालता है, परेशान करता है, आप कोई भी कार्य को सक्सेस नहीं होने दे रहा है, तो मात्र ये उपाय कर लीजिए जिससे कि आपका दुश्मन आपसे स्वयं आकर मित्रता करेगा। विशेष दावा किया जा रहा है, आपको मात्र यह उपाय कर लेना है कि मात्र एक एक लोटा जल भोले बाबा के मंदिर में ले जाना है, और लोटा को छड़ाते हुए बोलना है, अपने भोले बाबा से प्रार्थना करनी है, हे भोले बाबा, जो भी हमारा शत्रु उसको हमारा मित्र बना दीजिए, कृपा कीजिए कि वो हमारा मित्र बन जाए। भोले बाबा को जल चढ़ाते हुए और यही बोलते हुए जब जल पूरा चढ़ा देना है और बोलते जाना है, भोले बाबा हमारा मित्र को हमारा मित्र बना दीजिए, हमारे शत्रु को हमारा मित्र बना दीजिए, और कृपा कीजिए अपनी, भोले बाबा हे भोले बाबा प्रसन्न हो जाइए, भोले बाबा हमारे मित्र को हमारा शत्रु को मित्र बना दीजिए, इतना बोलना है आपको। इसके बाद फिर नंदी बाबा के कान में जाकर अपनी यही बात दोबारा दोहरा देनी है। नंदी बाबा के कान में पहले ये मंत्र बोलना है, हरे हर हर महादेव। इसके बाद आपको बोल देना, हे नंदी बाबा हमारे शत्रु को हमारा मित्र बना दीजिए। बस इतना बोलते ही आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। इस बात का विशेष वो भोले बाबा की ऐसी कृपा होगी कि आपका शत्रु जो आपको हर चीज़ में परेशान करता है, आपके हर काम में बाधा डालता है, आपका वो मित्र बन जाएगा। आपसे स्वयं आकर वो माफ़ी मांगे कि हाँ भाई मैंने मुझसे गलती हो गई, ऐसी मुझसे गलती दोबारा कभी नहीं होगी, मेरी मित्र बन जाओ, ऐसी कृपा हो जाएगी भोले बाबा की। आपको कुछ भी ना करना पड़ेगा, मात्र आपका शत्रु आपका मित्र बन जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और बोलिए हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।